दिस इज़ द प्योर हर्बल मेडिसिन फॉर द पेशेंट हु इज़ सफरिंग विद द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको आर्थराइटिस हो जाता है, गाउट या नी जॉइंट पेन, स्वेलिंग ओवर द नी जॉइंट पेन हो जाता है। ऐसे टीनेजर्स, चिल्ड्रंस और एडल्ट्स आते हैं। ऐसे पेशेंट को एलोपैथिक में स्टेरॉइड्स, बहुत सारे पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं जिससे कि आपको 12 घंटे 24 घंटे राहत तो हो जाती है, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप पेन किलर स्टेरॉइड्स खाने से आपको आपकी किडनी, लीवर या ब्रेन डैमेज होने की शक्यता रहती है। इसको आप परमानेंटली भी ठीक कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिंस में आपको रेगुलर हर्बल मेडिसिंस खिलाई जाती हैं। पंचकर्म का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए नसेम ट्रीटमेंट रेगुलर दिया जाता है जिससे कि विद इन 48 आवर्स में आपके पेन्स कम होने लगते हैं। बस्ती ट्रीटमेंट दी जाती है, मेडिकेटेड क्वाथ और ऑयल और घी की एनिमा दिया जाता है जिससे कि नी जॉइंट से पेन कम्प्लीटली रिलीफ होकर आपको परमानेंट आराम हो जाता है। ये 11 से 21 दिन का पंचकर्म का ट्रीटमेंट रहता है जिससे कि जेनेटिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, वेरिकोज वेन भी आप ठीक कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठकर ही पानी पीना चाहिए और मैदा, ब्रेड, बिस्किट्स नहीं खाने देते हैं। फर्मेंटेड फूड जैसे कि आथा वाली वस्तु, इडली, ढोकला, ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। स्ट्रीट फूड, पैक्ड फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, पास्ता, मैगी, ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपका पेन्स बढ़े। बहुत खट्टा तला नहीं खाने देते हैं, सात्विक आहार ही देते हैं, गाय का दूध और घी खिलाते हैं और लेप लगाने के लिए देते हैं जो लगा के आपको धूप में बैठाना पड़ता है और प्राणायाम देते हैं अनुलोम विलोम 15-15 मिनट या 30-30 मिनट सबरे शाम दोनों टाइम जिससे कि पेशेंट तुरंत ठीक होने लगते हैं।